अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के तट से टकराकर अब आगे बढ़ चुका है, लेकिन अपने पीछे ये गुजरात समेत प्रभावित राज्यों में तबाही के निशान छोड़ गया है, जिसे देखकर लोग सहम गए हैं। इस तूफान में कई लोगों ने अपनी जान तक गवा दी, यहां तक कि पशु पक्षी पेड़ पौधे तक को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। लेकिन इस तूफान से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं होंगी। सबसे पहली बात, मौसम विभाग ने बिपरजॉय को बेहद ही गंभीर चक्रवाती तूफान बताया है। दूसरा, जब ये तूफान गुजरात के करीब आने लगा तो गुजरात के तटों पर 135 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी थीं। तीसरी बात, इस तूफान से न सिर्फ गुजरात में त्राही त्राही मची बल्कि देश के अन्य 7 से 8 राज्य भी प्रभावित हुए। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम राजस्थान के मौसम को इस तूफान ने प्रभावित किया। और चौथी बात यह है कि इस तूफान ने मॉनसून की रफ्तार को सुस्त कर दिया था, क्योंकि जैसे ही मॉनसून केरल पहुंचा वैसे ही चक्रवात सिस्टम ने मॉनसून की नमी को सोखना शुरू कर दिया, जिससे मॉनसून अचानक ढीला पड़ गया। अब पांचवी बात यह है कि तूफान ने ना तो सिर्फ भारत को प्रभावित किया बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान का कराची शहर भी तूफान से अछूता नहीं रहा। पाकिस्तान में भी तूफान ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। और छठी बड़ी बात यह है कि इस साल अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान बिपरजॉय बन गया है। इससे पहले इस साल में अभी तक अरब सागर में कोई चक्रवात नहीं आया था। सातवीं बात यह है कि बिपरजॉय जिस अरब सागर से उठा था उस अरब सागर में बेहद कम चक्रवाती तूफान आते हैं। अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवाती तूफान आते हैं। और आठवीं बात यह है कि साल 1979 से लेकर 2022 तक अरब सागर में 11 चक्रवात आ चुके हैं। 2007 से 2022 के बीच अरब सागर में 6 चक्रवात आए हैं। इसके अलावा बिपरजॉय से गुजरात में करीब 1000 गांवों की बत्ती गुल हो गई और तूफान के प्रचंड रूप से 800 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं। लेकिन चक्रवात में किसी भी प्रकार की जानहानि ना हो इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मिलकर 1 लाख से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में भेज दिया है। गुजरात के 7 जिले और 450 से ज्यादा गांव तूफान के हाई अलर्ट पर हैं।